भारतीय संविधान को जलाया गया सर इस तरीके से कि मनुवादी लोगों ने भारत की राजधानी दिल्ली में आके जलाया गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो पहले उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जिन लोगों ने भारत के संविधान को जलाया है। मैंने बहुजन टीवी को भी ये प्रतिक्रिया दी थी कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित निर्माण किए हुए संविधान को इस देश में जो लोग नहीं चाहते कि ये संविधान इस देश में हो, आरक्षण देश में हो, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आज इतना बड़ा देशद्रोह का काम करने के बावजूद वो अगर इस देश में जिंदा है तो वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के वजह से जिंदा है। और मैं कहना चाहूँगा इस देश में जो संविधान के प्रति लोगों की जो भावनाएं ये लोग बना रहे हैं, 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया है जो 1950 से लागू है 26 जनवरी से, लेकिन आज तक बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा निर्माण किया उस संविधान को इन लोगों ने पूरी तरह से लागू नहीं किया है। 70 साल होने के बावजूद, 72 ईयर्स होने के बावजूद भी आज हमारे देश में इतनी गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, ये सारा जो हम लोग देख रहे हैं समस्या, ये केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं लागू करने के वजह से निर्माण हुई समस्या है। आज भी इस देश के संविधान को अगर लागू कर दिया जाता है तो आज भी ये देश सोने की चिड़िया कहलाएगी। मगर जो लोग नहीं चाहते कि इस देश का ये जो संविधान है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के हक और अधिकार के लिए डटकर खड़ा होता है, ये नहीं चाहते कि इन लोगों को हक और अधिकार मिले, ये जो लोग हैं जो संविधान नहीं चाहते इस देश में हो, इनका पहले से ही संविधान निर्माण हो चुका है, ये पहले से ही अपने संविधान को वहाँ पर मानते हैं और वो लागू करना चाहते हैं, और ये है मनुस्मृति, और ये मनुस्मृति का राज इस देश में लाना चाहते हैं। इसलिए इनकी प्रमुख अड़चन है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्माण किया हुआ ये संविधान, इसलिए ये जलाकर हमको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा निर्माण किया हुआ संविधान हटाकर ये मनु द्वारा निर्माण किया हुआ मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। हैरत की बात यह है कि इस देश के जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये थाईलैंड में फंसे हुए बच्चों को उनकी तारीफ करने के लिए मन की बात में उनको स्पेस देते हैं, मगर उन्हीं के संसद भवन के 10-15 किलोमीटर की दूरी पर इस देश का संविधान जलाया जाता है उसके लिए आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी लफ्ज नहीं कहा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो रास्तों के ऊपर उन्हीं के लोग जो संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं, संसद में बैठकर ये भी रोज़ वही काम कर रहे हैं, केवल जलाने का स्वरूप अलग है, संसद में बैठकर ये रोज़ एक एक बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा निर्माण किया हुआ कलम आर्टिकल को हटाने का काम ये लोग संसद से कर रहे हैं, जो काम नरेंद्र मोदी जी बाहर आकर नहीं कर सकते, वो अपने आरएसएस की पिट्ठुओं के माध्यम से कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये प्रतिक्रिया देना चाहूँगा कि ये इस देश का संविधान सभी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, सभी जाति के, सभी धर्मों के हकों और इसकी बात करता है, इसलिए इस देश में हम लोग आज जो सुरक्षित है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से है। सर, जिन लोगों ने इस तरीके से जो संविधान जलाया है, आपका अपना LLB कराया, एडवोकेट हैं सर, उनके प्रति कौन कौन सी धारा, क्या उनके खिलाफ जो मतलब नहीं देखिए की जाएगी? अभी जो लोग आज इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, इतना बड़ा देशद्रोह का काम हुआ है, हम चाहते हैं कि इन जिन सारे आइडेंटिफाइड है, सबके चेहरे दिख रहे हैं, अभी तो सबके नाम जाहिर हो चुके हैं, मगर आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, दिल्ली पुलिस ने नहीं की और किसी ने आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं कि इनके ऊपर देशद्रोह का मामला चले, इनको पूरी ज़िंदगी इस देश के जेलों में रखा जाए और इनके ऊपर देशद्रोह का मामला चले, ये भूमिका हम सभी लोगों की इस देश में सभी लोगों की होनी चाहिए। धन्यवाद साहब, आप थे राजरतन अम्बेडकर जी जो बाबा साहब के परपोते हैं। बहुत अच्छी बताया कि जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, बाबा साहब ने संविधान की तरफ जो धाराएं लिखी थी, उन धाराओं पर एक एक करके कुठाराघात हो रहा है। अब मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि देश बचाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, और वहीं संसद मार्ग पर संविधान जलाया जाता है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।